धेय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 1921 में वे आगरा और अवध के यूनाइटेड प्रोविंस के विधानसभा के लिए यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने गए थे। दूसरा, भारत छोड़ो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के चलते 1942 में उन्हें अहमदाबाद फोर्ट में गिरफ्तार किया गया था। तीसरा, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, एक और दो, बी, दो और तीन, सी, एक और तीन, या फिर डी, एक दो और तीन। इसका उत्तर है डी, यानी सभी कथन सत्य हैं। आज यानी 7 मार्च को भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि है, यानी डेथ एनिवर्सरी है। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में हुआ था। वर्तमान उत्तराखंड के काशीपुर में उन्होंने एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और 1921 में राजनीति में प्रवेश किया था। 1930 में उन्हें कई बार नमक सत्याग्रह को आयोजित करने के आरोप में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने ही हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता देने के आंदोलन को आधार प्रदान किया था। 7 मार्च 1961 को उनका निधन हो गया था। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2019-20 के लिए इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार किस कंपनी को हाल ही में दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, ONGC, बी, IOC, सी, नालको, या फिर डी, NMDC। इसका उत्तर है डी। भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक NMDC ने हाल ही में वर्ष 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2019-20 के लिए इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार ग्रहण किए हैं। यह पुरस्कार NMDC को इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 3 मार्च 2022 को तमिलनाडु के मदुरै में संपन्न बैठक में दिया गया। NMDC सरकारी कंपनी है, इसे नवरत्न का दर्जा भी हासिल है। यह सबसे बड़ी घरेलू आयरन ओर माइनिंग कंपनी है और यह दुनिया में सबसे कम लागत में आयरन और माइनिंग का काम करती है। तो यहाँ पर महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न जो हैं, इनके बारे में आप जानकारी अवश्य रखें, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG द्वारा निम्नलिखित में से किस जगह समुद्री स्तर पर परीक्षणों यानी जो सी ट्रायल्स हैं उनको सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी, तमिलनाडु, सी, पुदुचेरी, डी, लक्षद्वीप। इसका उत्तर है सी। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG ने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक पुदुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। हंसा NG को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में बेंगलुरु स्थित CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस विमान को 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1.5 घंटे में 140 समुद्री मील की दूरी तय करते हुए पुदुचेरी के लिए 19 फरवरी 2022 को उड़ाया गया था। समुद्र स्तर के परीक्षणों का उद्देश्य हैंडलिंग गुणों, क्लाइंब, क्रूज प्रदर्शन, बॉग्ड लैंडिंग आदि था। अब बात करते हैं आज के चौथे सवाल की। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए, इसका गठन भारत सरकार के एक शासकीय आदेश के जरिए 1969 में हुआ था, बी, यह भारत का प्रमुख अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स है जो गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, सी, इसके 12 रिजर्व बटालियन और 8 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, या फिर डी, यह सरकारी और निजी दोनों औद्योगिक उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उत्तर है ए। CISF ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस यानी रेजिंग डे मनाया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 6 मार्च को गाजियाबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 53वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली और वीरता और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सीआईएसएफ के अधिकारियों और जवानों को पदक प्रदान किए। गृह मंत्री ने सीआईएसएफ की पत्रिका सेंटिनल 2022 का भी विमोचन किया। गौरतलब है कि वर्ष 1968 में सीआईएसएफ एक्ट भारतीय संसद में पारित किया गया था, जिसके बाद 1969 में सीआईएसएफ का गठन हुआ था। इसका गठन किसी शासकीय आदेश से नहीं हुआ था, बल्कि संसद में पारित कानून के जरिए हुआ था। और ये बल सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, मेट्रो, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहरों आदि की सुरक्षा करता है। यहाँ पर यह ध्यान रखा जा सकता है कि हमारे देश में जो 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, या जो अर्धसैनिक बल हम जिसे कहते हैं, उनके बारे में, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन और मैंडेट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। यूनेप यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं, ए, यूनेप का गठन 5 जून 1972 को हुआ था। बी, इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है। सी, इसके द्वारा वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट हर साल जारी किया जाता है। या फिर डी, 193 देश यूनेप के सदस्य हैं जो उसके सुझावों से लाभान्वित होते हैं। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। 2022 में यूनेप की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसीलिए यूनेप से संबंधित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसीलिए यूनेप सुर्खियों में भी है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में आयोजित किया गया था, उसी में इसके गठन की घोषणा की गई थी। और स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस था, वह ह्यूमन इन्वायरमेंट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। यूनेप के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो जारी की जाती हैं, उनमें शामिल हैं एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, एमिशन गैप रिपोर्ट और द राइज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइम, जो इंटरपोल के सहयोग से जारी किया जाता है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था यूनेप नहीं है, बल्कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं यूनेप द्वारा 2011 में ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, लेकिन यह वार्षिक रिपोर्ट नहीं है। और ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले MCQ के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।